हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अमराव टेक्निकल स्टूडियो। और मैं आप सबका प्यारा अमराव। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए और एक नई एप्लीकेशन जिसका नाम है वीडियो डर। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप कोई भी वीडियो मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता है वीडमेट एप्लीकेशन एक चाइनीज एप्लीकेशन है जो आपकी इंफॉर्मेशन लीक करती है, और वो अपने देश की भी नहीं है और वो यहाँ से भी जो भी पैसा कमाती है वो विदेशों में लेकर जाती है। तो इससे अच्छा है हम अपने देश का ही कोई एप्लीकेशन यूज कर लिए। इसलिए मैंने आपके लिए एक एप्लीकेशन लाया जिसका नाम है वीडियो डर, जो सेम विडमेट के जैसे ही आपके मूवी वीडियो डाउनलोड करने में काम में आता है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अर्निंग से जुड़ी, वीडियो डाउनलोड करने से जुड़ी, मूवी डाउनलोड करने से जुड़ी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी सही तथा लेटेस्ट न्यूज़ से जुड़ी तथा जो भी एप्स मार्केट में लॉन्च होती है उनसे जुड़ी कई सारी वीडियो लेकर आता हूँ। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको जियो ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है वीडियो डर ऐप डाउनलोड। उसके बाद आपको इस पहली वाली साइट पर क्लिक करना है। अब ओके पर यहाँ पर डाउनलोड करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने पहले से अपने फ़ोन में ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा हूँ। ये देखिए, मैं इसे ओपन करता हूँ। ये इसका इंटरफेस आ गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर वूट इन सब के वीडियो आप यहां पर देख सकते हैं। और आप व्यू ऑल साइट पर जाकर यहां पर और भी साइट्स हैं जिनके आप वीडियो देख सकते हैं, जैसे सोनी लिव, IMDb, बहुत सारी है। आप यहां पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। ये देखिए यहां पर कितनी सारी साइट्स आ गई, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम, ये देखिए ये ऑल इनके सभी के आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। तो मैं बैक कर देता आ जाता हूँ। अब मैं आपको YouTube पर क्लिक करता हूँ। ये हमारा YouTube आ गया। अब यहाँ से आप कोई भी सर्च कर लीजिएगा, आप वो आपके वो आ जाएगा और आप उसे आसानी से डाउनलोड कर लोगे। अब मैं आपको यहाँ से कोई वीडियो डाउनलोड करके बताता हूँ। जैसे मैं आपको ये नच मेरी रानी ये गाना सो डाउनलोड करके बताता हूँ। ये देखिए ये गाना आ गया अपन का। फ्रेशर्स फ्रेशर्स फ्रेशर्स, वीकेंड की पूल पार्टी पे एंट्री चाहिए तो रैगिंग एग्जाम में। ये देखिए ये हमारा वीडियो ओपन हो गया। अब आप यहाँ से ऑडियो डाउनलोड लिंक इसका मतलब कि आपके यहाँ से ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये है वीडियो डाउनलोड लिंक। अब यहाँ से आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से 180 प्लाई में भी कर सकते हैं, 720 प्लाई में भी कर सकते हैं, 480 प्लाई कर सकते हैं, 360 प्लाई में भी कर सकते हैं और 220 प्लाई में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 360 प्लाई पर क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करना है। स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, आप इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए ये आपका वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और ये हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। ये हमारा वीडियो डाउनलोड हो गया, कंप्लीट हो गया डाउनलोड। अब मैं बैक आ जाता हूँ। अब आप यहाँ से कोई भी सर्च कर भी आप कोई भी मूवी या गाना कुछ भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, नच मेरी नेहा कक्कर सॉन्ग, अब ये देखिए आप यहाँ से नेहा कक्कर के जो भी सॉन्ग है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या आप कुछ भी यहाँ पर सर्च करके कुछ भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ सुपरस्टार सॉन्ग, कोई सा भी आप सॉन्ग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये नच मेरी रानी
सॉन्ग भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो भी चीज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप, ये तो हो गई यूट्यूब की बात, अब आप यहाँ से फेसबुक कर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वोट, इन सब के भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको आईएमडीबी के भी आप यहाँ से बहुत सारी देख सकते हैं और आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए इस आईएमडीबी का इंटरफेस आ गया, अब मैं इसे बाहर आ जाता हूँ। अब आप यहाँ से हॉटस्टार के भी बहुत सारे शो देख सकते हैं यहाँ पर, उसके उनको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ये देखिए ये इसका इंटरफेस आ गया। एक ही ऐप में आपको इन सब के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ से इनको वॉच कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी वेबसाइट है ये, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी एप्लीकेशन है, आपको कितने सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, यहाँ पर आप कितने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। होम पर क्लिक करिए, आपको यहाँ पर वीडियो रिकमेंड भी करता है, आप यहाँ से जो अच्छा लगे हो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होम म्यूज़िक का ऑप्शन है, स्पोर्ट्स का ऑप्शन है, गेमिंग का ऑप्शन है। इसके बाद आपके यहाँ पर न्यूज़ का ऑप्शन है, लाइव का ऑप्शन है, यूट्यूब इंडिया स्पोर्ट लाइट ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये एप्लीकेशन हमें कमेंट करके बताइएगा, और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आप विडमेट यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ यार भाइयों विडमेट ऐप मत यूज कीजिएगा, आप वीडियोडर ऐप यूज़ कीजिएगा। अगर आपको वीडियोडर से भी अच्छी कोई ऐप पता है तो आप उसे यूज़ कीजिएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप वीडियोडर ये ऐप यूज़ कीजिए, लेकिन आप विडमेट ऐप मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि वो चाइनीज़ ऐप है। और आपको पता है चाइना हमारे देश से कितने सारे पैसे कमाता है और हमारे देश की जो सूचना है उसको भी लीक करता है। तो प्लीज़ भाइयों चाइना की कोई भी ऐप आप डाउनलोड मत कीजिएगा, ना उसे इस्तेमाल कीजिएगा। आप अगर आपने स्नैक वीडियो भी डाउनलोड कर रखा है तो उसे भी कट कर दीजिएगा क्योंकि वो भी एक चाइनीज़ ऐप है। मैंने रोपोसा ऐप, आप देख सकते हैं रोपोसा ऐप डाउनलोड कर रखा है क्योंकि एक इंडियन ऐप है। और आप जियो ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं क्रोम ब्राउज़र की जगह, क्योंकि जियो ब्राउज़र हमारे देश रिलायंस का ही ऐप है। तो आप स्वदेशी बनिए, अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाइए और विदेशी प्रोडक्ट से आप ना बोलिए, क्योंकि आपको पता है कि विदेशी जो कंपनी है वो इंडिया से कितना सारा पैसा कमाती है, फिर यह हमारी सूचना और लीक कर देती है जिससे हमारे देश को कितना सारा घाटा होता है। तो आपको पता है हमें अपनी स्वदेशी चीज़ अपनानी है, तो स्वदेशी चीज़ आप अपनाइए। आपको पता है चाइना में लोग वहाँ की ऐप ही यूज़ करते हैं, जो भी विदेशी लॉन्चर होते हैं जो अपनी लॉन्च वहाँ पर लॉन्च करते हैं तो वो उनको बायकॉट कर देते हैं और अपनी ऐप ही यूज़ करते हैं। तो क्या हम इंडिया वाले अपनी यूज़ ऐप नहीं कर सकते? क्या हमें इतना साहस नहीं है कि हम थोड़े से दिन थोड़ी तकलीफ़ से ले? अगर आप इस कोई भी ऐप है उसे यूज़ करते हो तो उस वहाँ की जो ओनर है, उस ऐप के जो निर्माता है, वो उस ऐप को और बेटर बनाते हैं। जैसे आपको पता है जियो ब्राउज़र ये ऐप थी, वो पहले मतलब इसमें 7-8 पेज लोड हो पाते थे, अब आप इसमें जितने चाहिए उतने पेज लोड कर लीजिए। और इसके आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड्स भी देख लीजिए कितने अच्छे डाउनलोड्स हैं और कितने अच्छे इसको रेटिंग मिली है और कितने दिनों में इसने कितना अचीवमेंट प्राप्त किया। तो आप भी ये ऐप डाउनलोड कीजिएगा। आज की वीडियो में इतने ही, मिलेंगे अगले वीडियो।